और खास करके डीके ने, डीके द फिनिशर। तो विराट कोहली आज डिजर्व भी नहीं करता था। देखिए एक बेस्ट प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कमबैक तो उसने करना ही, अगर एक आधी इनिंग में। पागल हो जाते हैं इधर, हंसते हुए दंडिया निकाल के बेशर्मों की तरह जा रहे होते हैं। क्लीन बोल्ड बल्ले से हो गया। विराट कोहली आज देखे, जितना मर्जी कोई लबड़ गबड़ ट्विटर पर लगा रहे भौंकने के लिए। और ये आरसीबी की जो जीत है, विराट कोहली की फॉर्म है, अगली आने वाली टीमों को लिए भाई ये झटका है, उनको परेशान रहना चाहिए जिस तरह विराट कोहली की फॉर्म वापस आ गई है। टाइटल जीतने में सबसे अहम किरदार विराट कोहली का होगा। वाह वाह वाह, आज तो डबल मजे का गेम हो गया यार, डबल नहीं ट्रिपल। होली भी सेलिब्रेट की हमने, विराट कोहली की शानदार इनिंग, शानदार बैटिंग देखी हमने, चौके छक्के और उसके साथ ही आरसीबी की जीत भी। तो आरसीबी फैंस के लिए ट्रिपल मजे का गेम था आज का। और इस जीत का सिरमौर अकेले विराट कोहली नहीं है, डीके 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 आज फॉर्म में नजर आए एज ए फिनिशर। जिस तरह की फिनिशिंग वो करते हैं, इस बार के आईपीएल में नजर आया फिनिशर 28 नबाद। और विराट, वाह जी वाह वाह, छक्के चौके स्टार्ट और उसके बाद आगे लेकर जाना, और बाकी रही सही कसर पूरी कर दी, फिनिश कर दिया डीके ने। देखते हैं पाकिस्तानी जनता और मीडिया क्या कहती है। जी, 4 balls to spare and 4 wickets in hand, RCB they have won this match. Virat Kohli, the King Kohli, today was his day. और जो फिनिशिंग टच दिया जनाब लेमरोर और खास करके डीके ने, डीके द फिनिशर। पिछला साल तो डिजास्टर ही था डीके के लिए, लेकिन उससे पिछले साल उसने तबाही मचाई हुई थी, तो ये पिछले साल वाला नहीं, उससे पिछले साल वाला नजर आ रहा था डीके, जैसे उसने कूल एंड काम एंड कंपोज तरीके से उसने ये चेज किया। हैट्स ऑफ लेमरोर, उसको भी उन्होंने अल्टरनेटिव जो इंपैक्ट प्लेयर है उसके तौर पे लेके आए थे, तो उसने भी मायूस नहीं किया। छक्का चौका उसका भी बड़ा वाइटल था, बहुत वाइटल, पहली पालती चौका फिर छक्का, तो उसके बाद फिर आपने देखा है डीके ने जिस तरह से फिनिश किया। लेग साइड इसकी काफी स्ट्रांग है, और बाकी थोड़ा इसने इम्प्रोवाइज भी किया है, और बॉलिंग भी कोई अच्छी नहीं हुई, दोनों का इम्तिजाज है। ये खेला भी बड़ा अच्छा है और इम्प्रोवाइज भी किया है, और गेंद को जहां ये चाहता था खेलना, गेंद भी माशाल्लाह उधर ही पड़ी है, तो दोनों अब इम्तिजाज हुआ है और छक्के आए हैं, चौके आए हैं, और मैच जो है पंजाब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने में जरूर कामयाब हुआ था। विकेटें जब गिरी थी, 6 विकेट खास करके जब गिरी है, 35-40 रन कम नहीं होते। कल हमने देखा क्या हुआ मैच में, एंड के 35-40 रन बहुत क्रूशियल होते हैं और बहुत प्रेशर वाले होते हैं, 1 विकेट और खाली टेल नीचे आ जानी थी, लेकिन खैर ऐसा हुआ ही नहीं। और लेमरोर और डीके दे वर अमेजिंग। बात दरअसल ऐसे है कि जिस तरह की इनिंग्स विराट कोहली खेल के गया था, तो ये बहुत मतलब बुरी फीलिंग आती है आरसीबी के फैंस को, विराट कोहली के फैंस को, कि इतनी अच्छी शानदार लाजवाब 70 रन की इनिंग खेल के गया जिसमें 2 छक्के शामिल हैं, और उसके साथ साथ जनाब 11 चौके 49 गेंदों पे 157 पावर प्ले का भी जिस तरह इस्तेमाल किया, और बाद में भी वो तो ऐसा खेल रहा था जैसे उसने 18वें ओवर में काम पूरा कर देना। खैर बाकी कोई साथ इतना मिला नहीं है, तो विराट कोहली आज डिजर्व भी नहीं करता था कि लूजिंग साइड में वो उसकी जो इनिंग है वो जाए, और इस पे डीके और लेमरोर ने एंड पे स्टैंप लगा दी कि नो, दिस इज आरसीबीज मैच और एट होम। अब जो टीम भी अपने घर में खेल रही है सारी की सारी जीतनी है, चाहे गुजरात हो, आरसीबी हो, या राजस्थान हो, या केकेआर या सीएसके, तो घर में सारी टीमें अपने अपने मैच अभी तक जीत रही हैं, हार नहीं है, तो आरसीबी के लिए भी पहली फतह आ गई है इस आईपीएल की, दूसरा मैच था उनका एंड वेरी वेरी वाइटल विक्ट्री। तो जी मोहसिन अली साहब, लग रहा था चेज हो जाएगा, थोड़ी पटरी से ट्रेन उतरी, बरार वाज अमेजिंग, ही वाज टू गुड, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है उसने, और विराट कोहली को भी बीट किया उसने, और 2 विकेट मैक्सवेल की विकेट ऊपर से, खैर पतिदार वगैरह, तो उसको कमाल की उसने बॉलिंग की है, लेकिन ओवरऑल ज्यादा प्लेयर जो हैं वो आरसीबी के अच्छा खेले, तो फंटास्टिक मैच दैट वाज। आई मस्ट से टिल द 19th ओवर धवन वाज अमेजिंग एज अ कैप्टन, अमेजिंग। देखिए हर बात किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और ना गलत बात करनी चाहिए, जो मैच देखेगा उसको सिचुएशन नजर आ रही होगी, और जो स्कोर कार्ड देखेगा चोरियां करेगा तो वो फिर चोरियां ही करता रह जाएगा, बहुत शानदार। लेकिन रिजवान हैदर, आपके लाइव शो में मिड इनिंग में आपसे अर्ज किया था कि रबादा से
अटैक करवाना चाहिए था। तो देखें दोनों विकेटें आ गई, दोनों विकेटें ले गया रबादा ऊपर से, उसके बाद ब्रार जिसको पिछले मैच में भी एक ओवर कम दिया, आज चार ओवर किए, 13 रन दिए, दोनों बोल्ड। और रजत पतिदार तो उसने तो कोहली को बिल्कुल ही श्रिंक करके रख दिया ना, 18 में 18, मतलब पता नहीं कौन से जमाने की क्रिकेट खेल रहा था। और यही देखे ये जो ऑस्ट्रेलियन है, व्हेन दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री, ओनली एक्सेप्शन ऑफ वार्नर, व्हेन दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री दे आर वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, एंड व्हेन दे आर रिप्रेजेंटिंग आईपीएल करोड़ों में, वो कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, ये वो पकोड़े बन जाते हैं जिसमें तेल ही नहीं होता, फुक्कड़, यानी वो देखे। हाँ मैं आपको सच कह रहा हूं, इनके चेहरे पे कुछ शर्मिंदगी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 करके भी आउट हो, पागल हो जाते हैं, इधर हंसते हुए दंडियां निकाल के बेशर्मों की तरह जा रहे होते हैं, क्लीन बोर्ड बल्ले से हो गया। विराट कोहली आज देखे, जितना मर्जी कोई लबड़ गबड़ ट्विटर पर लगा रहे भौंकने के लिए कि दो कैच छूट गए, तुम्हारे हर बाप के कैच छूटते हैं, वो दूसरा कैच तो बहुत टफ, जो कैच हुआ था वैसे रिजवान साहब सीएसके के मैच में वो टफ नहीं हुआ था, वो क्या छूटते रहते ना यार, कैच के तो छूटते रहते हैं, पहला कैच आसान था, डॉली कैच था, मानने वाली बात है, दूसरा इट वॉज वेरी टफ चांस, हो भी सकता था नहीं भी हो सकता। बहरहाल देखें एक बात तो तय हो गई है, आपसे कहा था विराट स्कोर करेगा, कर दिया, आपसे रबादा का कहा उसे आना चाहिए था, आ गया, ब्रार का पिछले मैच में कहा इसने ज्यादती की, दो आउट कर गया, बॉलिंग ऑप्शन स्टिल, हर्षल पटेल ने पहले ओवर में 5 रन दिया, विराट की विकेट भी ली, लेकिन 19वां ओवर आपको बार बार पिछले मैच में भी कहा जब इसने 26 दिया, हालांकि पंजाब जीत गई, मैंने आपसे रिजवान हैदर कहा था कि ये इन्होंने बड़ी गलती कर दी है कि हर्षल पटेल को भाई देखे, सैम करन ने पहले ओवर में 16 दिया, उसके बाद दो ओवरों में उसने सिर्फ 13 रन दिए, आउट भी किए, तो मेरा कहने का मकसद, चलो अंपायर का अली था, अनुज रावत को देखें, वही बैक टू हिज बेसिक्स, एक मैच में अच्छा, आज वो मरवा गया था, ही वॉज अबाउट टू डिजास्टर्स डिफीट, और आज बिल्कुल सही जा रहे हैं आरसीबी। देखें मिड इनिंग में मैं कह रहा था कि स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलेगी और स्पिनर्स जो है उनको थोड़ा सा मैंने महसूस किया है कि एक्स्ट्रा बाउंस मिला है, जैसे कि मैक्सवेल को भी मिला था, मैक्सवेल ने भी इसीलिए आउट किए, और खास करके जो प्रभिमन सिंह, क्या नाम है यार, प्रभिमन सिंह, उसने जो शॉट खेला गेंद थप्पा खा के मैक्सवेल का, बाउंस मिला उसको एक्स्ट्रा। तो जैसे ये ब्रार बॉलिंग कर रहा था और विराट कोहली भी एक गेंद पे बीट हुआ, बोल्ड होते होते वो वहां पे बाउंस ने बचा लिया, बाउंस की वजह से गेंद बल्ले पे भी नहीं आई और विकेट के भी ऊपर से निकल गई, तो बाउंस हल्का था, इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और जब इसने देखा कि भाई अब एक तरफ से स्पिनर मेरा बड़ा छाया हुआ है, तो बेशक के पहले ओवर में उसको लग गए थे 16 रन, और दूसरे राहुल चार, तीन ओवर आपके रहते हैं जब आप देख रहे हैं कि जी स्पिनर्स को असिस्टेंस भी मिल रही है, ठीक है उसका उसका ट्रेजेक्ट्री उसकी डिफरेंट होती, वो लेगी है, ये लेफ्ट आर्म बॉलर है, लेकिन आपने जब देखा कि स्पिनर्स पे गेंद फंस रही है, तो एक आधा ओवर दोबारा रिस्क लेने में मेरे ख्याल है कोई मजायका नहीं था, लिविंगस्टन का भी कोई मजायका नहीं था, वो विक्टर लेता, अदर ऑप्शन लिविंगस्टन विक्टर लेता, मैच एक आधा ओवर बीच में वहां से करवाने में उसमें कोई मजायका नहीं था अगर ये करवा लेते। और ब्रार वर अमेजिंग, देखें 180 हो गया, उसने कितने रन दिए, उसने कितनी मैक्सवेल की विकेट निकाली, पतिदार की विकेट निकाली, उसने 13 रन दिए 4 ओवरों में। तो जब एक स्पिनर आपका दे रहा है तो आपको, चलो दूसरे को लग गया 16 रन, तो मैं अभी मतलब मैच तो खत्म नहीं हो गया ना, मैच तो फिर भी एंड तक गया, तो यहां से थोड़ी गलती की है, एक आधे एक दो ओवर और स्पिनर को निकलवाने चाहिए थे। सही कहा आपने हर्षल पटेल, वी सॉ हिम इन द लास्ट मैच, लाइक ही इज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस एट टाइम्स, ऐसा लगता है, और जब 10 रन रह गए थे मैच तो खत्म ही था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा ख्याल है किसी को भी देते मैच तो खत्म ही था। हाँ मैच वो वाले बचे हैं कि जो आखिर पे 16-16, 18-18 रन चाहिए थे, जब आखिरी गेंद पे 19वें ओवर की छक्का लगा तो बिल्कुल फिर तो
वॉक इन द पार्क ही था। विराट कोहली की परफॉर्मेंस, विराट कोहली को छोड़ो, मैं तरावियां पढ़ने गया छोड़ के आऊंगा। विराट कोहली ने जैसे इनिंग खेली है यार, उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। मैं यकीन करो कि जिस तरह ने इनिंग को लेके चला है तो बाकी मजा आ गया। आरसीबी फॉर्म में आ गया वापस, मैं कहूंगा। किस खेलने की किस रन पे विराट कोहली आउट हो गए, काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी विराट कोहली की तरफ से, लेकिन आज वो आए हैं और ऐसा छा गए हैं यार। बिल्कुल यार, ये वाकई शानदार प्लेयर है, मैं कहूंगा किंग होता है जो बड़े, मतलब कि देखिए ना जिस तरह बाकी बैट्समैन भी खेल रहे हैं डुप्लेसी का, मतलब कि सात विकेट गिरी जाने की, उस तरह अपने आप को कूल एंड काम रखा, बड़ा स्कोर किया आरसीबी के लिए। और ये आरसीबी की जो जीत है विराट कोहली की फॉर्म है, अगली आने वाली टीमों को भाई ये झटका है, उनको परेशान रहना चाहिए जिस तरह विराट कोहली की फॉर्म वापस आ गई है। और आप देखेंगे चाहे आगे मुंबई है चेन्नई, जिसके साथ ही मैच है आरसीबी ही जीतेगी। देखिए एक बेस्ट प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कमबैक तो उसने करना ही है। अगर एक आधी इनिंग में वो आउट हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर को पीछे ले जाएंगे। वो एक चेज मास्टर है, बेस्ट बैट्समैन है, जिस तरह से आज के मैच में उसने चेज किया है, जिस तरह से वो इनिंग को लेके चला है, बैक टू बैक विकेट दूसरे रन से गिर रही थी लेकिन वो चलता ही गया है। पहले उसने 50 किया, उसके बाद उसकी फर्दर इनिंग बिल्ड होती गई है। जिस तरह से उसने आरसीबी को इस मैच में जीत दिलाई है, यूं लगता है कि आरसीबी के लिए टाइटल जीतने में सबसे अहम किरदार विराट कोहली का होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर अगर किसी टीम में है तो जीत उसका मुकद्दर बनती है। बिल्कुल आपकी बात सही है सर। तो ढेरों शुभकामनाएं एक बार फिर से होली की भी और आरसीबी की जीत की भी। दो गजब के सिक्सेस कितना भी कर लें यार, विराट कोहली मील मेक निकालने वाले, गलतियां निकालने वाले, उन्हें कुछ कहने वाले कोई मौका नहीं छोड़ ये कह छोड़ दिया वो कर दिया सब कुछ। यार विराट कोहली थोड़ी 11 बंदों की टीम होती है, पूरा थोड़ा थोड़ा होता है, 19-21 चलता रहता है, कहाँ किससे नहीं छूटते कैच। वो जो उसने किया है बैटिंग से बैट से वो क्या कम है। एनीवे क्लैप्स फॉर डीके एंड विराट कोहली। लैम्रोर की इनिंग भी शानदार थी, इस पेयर के बाद शायद कोई होता जो ये कारनामा कर पाता। यहां सुना आपने पाक मीडिया और जनता की, आप अपनी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।